Assalamu alaikum. My name is Aisha. Today I am discuss about cellular organization of plants and animals. Cellular organization of plants and animals mean that how cell formed an organism. In this chapter we discuss about that how a cell, a tissue, an organ, an organ system form an organism. First we discuss about cell. Cell is the basic structural and functional unit of all living organism. Cell is the basic unit of life. All living things are made up of cells, but some plants and animals are made up of only one cell. For example, bacteria. Cell एक human body के structure देती हैं. For example, ये हमारी body है. हमारी body के ने जितने भी functions हो रहे हैं, वो cell की वजह से हो रहे हैं. और cell है वो हमारी body में लातादाद हैं. इनकी जो है बहुत ज़्यादा बताया नहीं गया कि हमारी body में कितने हैं. तो body में बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा तादाद के और हमारी बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शंस देते हैं और इनके जो है वो अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. दिस इज़ अ बुक. एक बुक के अंदर ये एक पेज है, ये इसका बेसिक यूनिट है. एक वॉल है, उसके अंदर ईंट है, ब्रिक जो है वो उसका एक बेसिक यूनिट है. इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म का जो एक बेसिक यूनिट है वो सेल कहलाता है. Next, I discuss about parts of microscope and its working. Microscope is an instrument used to see small things which cannot be seen by naked eyes. Microscope एक ऐसा आला है, एक ऐसा instrument है जिससे हम छोटी से छोटी चीज़ को भी देख सकते हैं जो कि हमें आम आँख से नहीं देखी जा सकती. जैसे बैक्टीरिया को हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे आर्म, बेस, स्टेज, स्टेज क्लिप्स, डायफ्राम, मिरर इटीसी. मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करवाता है. डायफ्राम का हम जब टर्न करते हैं तो उसमें से लाइट गुजर जाती है, वो लाइट को पास करवाता है. आई पीस इज अ पार्ट ऑफ एन माइक्रोस्कोप वेयर यू लुक थ्रू द नोज पीस विच ग्रिप द ऑब्जेक्टिव लेंसेज. नेक्स्ट आई डिस्कस अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स बाय माइक्रोस्कोप. आइडेंटिफिकेशन का मतलब है शनाख्त करना. हम माइक्रोस्कोप की मदद से मुख्तलिफ सेल की शनाख्त की गई है, आइडेंटिफाई किया गया है एनिमल सेल के और प्लांट सेल के. एनिमल सेल्स के डिफरेंट सेल्स एंड लाइक एंड रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, फैट सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स ईटीसी. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स हमारे खून के अंदर पाए जाते हैं और 120 डेज के बाद रेड ब्लड सेल्स डेड हो जाते हैं और नए बनना शुरू हो जाते हैं. ये भी हमारे खून के अंदर पाए जाते हैं. वाइट ब्लड सेल्स भी हमारे खून के अंदर पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिजीज़ को डिफेंड करते हैं, हमारी बॉडी में जो है वो डिफेंड करते हैं हमारी बॉडी को डिजीज़ से. और प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉटिंग में जमने में मदद करते हैं. नेक्स्ट प्लांट सेल के सेल की बात करते हैं विच इज़ कॉल्ड कोलेनकाइमस सेल्स, क्लेरेनकाइमस सेल्स, वस्कुलर बंडल ईटीसी. वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू आ जाते हैं. जाइलम टिश्यू वो होते हैं जो कि हम रूट से वाटर मिनरल्स और सॉल्ट को ऑब्जर्व करते हैं. और फ्लोएम वो होते हैं जो कि लीव्स में से ग्लूकोज को पूरी बॉडी के प्लांट की बॉडी के पार्ट तक पहुंचाते हैं. कोलेनकाइमस सेल्स भी रूट, लीव, स्टेम में से ऑब्टेन किए गए हैं और ये ओवल इन शेप होते हैं. नेक्स्ट आई डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल. एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं और हर एक सेल ऑर्गेनल मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, राइबोसोम्स ईटीसी. डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल. एनिमल सेल छोटे होते हैं और इररेगुलर शेप होते हैं बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. और प्लांट सेल की सेल वॉल होती है, इसकी वजह से उनके एक उसके स्ट्रक्चर देती है, एक शेप देती है. इसकी वजह से वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं. और जो प्लांट सेल होते हैं वो एनिमल सेल से बड़े होते हैं. सेंट्रियो विच आर एब्सेंट इन प्लांट सेल बट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एनिमल और प्लांट सेल. सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल. नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि वन सेल पे फॉर्म्ड होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि डिफरेंट सेल पे फॉर्म्ड होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वन सेल पे फॉर्म्ड होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ऑफ सेल पे फॉर्म्ड होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल है बैक्टीरिया, अमीबा.
एंड मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल है ह्यूमन। नेक्स्ट है टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। टिश्यूज मुख्तलिफ जब सिमिलर सेल्स मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, बोन टिश्यू, ETC। ऑर्गन्स जब मुख्तलिफ टिश्यू मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, लंग्स, लिवर, ETC। नेक्स्ट आई डिस्कस अबाउट ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। शूट सिस्टम वो पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं जो कि अबव द ग्राउंड जो पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं उन्हें हम शूट सिस्टम कहते हैं, और जो बिलो द पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं उन्हें हम रूट सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमंस, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खुराक हमारी डाइजेस्ट हो जाती है, लाइक स्टमक। इसमें जो ऑर्गन्स है वो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफीगस, माउथ आ जाते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम सांस लेने का अमल है जिसमें हमारी लंग्स आ जाते हैं, ट्रैकिया, लेरिंग्स एंड फेरिंग्स, एल्वोलाई, ETC। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेट का मतलब है गर्दिश करना। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे खून जो पूरी बॉडी में गर्दिश करता है, इसमें जो ऑर्गन्स हैं वो हर्ट, लंग्स और रेड खून आ जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है एक्सक्रीट करना। किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती हैं और लिक्विड वेस्ट मटेरियल उसमें से अलग हो जाता है। नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हमारे आउटगोइंग एंड इनगोइंग मैसेज होते हैं, वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं, और पूरी बॉडी के नर्व्स भी नर्वस सिस्टम में शामिल हैं। सेलुलर हायरार्की फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फर्स्ट सेल, जब सिमिलर सेल्स मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं, और जब टिश्यूज मिलते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू विच वर्क टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन, और जब ऑर्गन मिलते हैं तो वह एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इसी तरह एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। थैंक्स।